22 किलोमीटर्स का ये ब्रिज है विच विल गो थ्रू द सी, यानी समुद्र से जाएगा। एंड एक एक किलोमीटर का हिसाब ऐसा है कि 1000 करोड़ लग रहे हैं एक एक किलोमीटर इसको बांधने के लिए। ये पूरा जोन है, आई गिव यू अ क्लोजर लुक। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन द चैनल। कैसे आप सब लोग? वेल, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के डेवलपमेंट अपडेट्स। ये वीडियो सिर्फ मैं आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दिखाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। आई एम गोना ट्राई एंड टेल यू द एंटायर बैकड्रॉप, द एंटायर स्टोरी, ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स मूव। यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, हार्डली लाइक 5 to 10 मिनट्स। तो ये शिवडी रेलवे स्टेशन ऑन द राइट। तो अभी हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के लोकेशन पे। तो यहाँ से उनके वो बैरिकेड्स एंड पिलर्स, वो सारे चीज़ें आपको यहाँ से वो दिखने शुरू हो जाएंगी। ये जो पिलर्स दिखने शुरू हो गए हैं यहाँ से, देर इज एन एंट्री पॉइंट ऑन द लेफ्ट एज यू कैन सी। तो ये ट्रक्स के पीछे हम जाने वाले हैं। इतनी ज्यादा धूल, माय गॉड। तो यहाँ पे यू नो काम इनका लाइक इट्स लाइक स्पीडिंग अप, क्योंकि लॉकडाउन था। तो लॉकडाउन के वक्त काफ़ी काम, एक्चुअली काम चल ही रहा था, क्योंकि मैं लॉकडाउन में भी आया था। मे बी द फ्यू ऑफ द वर्कर्स माइट हैव गॉन होम एंड ऑल, बट आफ्टर द लॉकडाउन ओपन इन दे हैव स्टार्टेड वर्किंग लाइक डबल हार्ड और समथिंग। तो यहाँ से आप देख पाओगे और क्लियरली, ये देखिए। या तो ये पिलर्स आप जो देख रहे हो ना, इनकी हाइट देख लीजिए आप। दे आर लाइक वन ऑफ द टॉलेस्ट पिलर्स दैट यू एवर सी, एस्पेशली फॉर अ ब्रिज गाइस, इतने टॉल। तो उसकी भी एक कहानी है, दैट स्टोरी आई विल टेल यू, लाइक व्हाई वर दे मेड सो टॉल, व्हाई आर दे मेड सो टॉल। सो यहाँ से हम अभी इसको क्लोज करते हैं। सो लेट्स मूव। As you can see, the road is quite bad. Obviously, अभी काम चल रहा है।
तो दोस्तों ये जो ब्रिज आप देख रहे हो दी MTHL, इसकी हाइट एक्चुअली डिसाइड कर दी गई थी 25 meters, बट JNPT दैट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, उन्होंने कहा कि इसकी हाइट बढ़ा दो बिकॉज जो शिप्स होती है बड़ी शिप्स उनको आने जाने के लिए दिक्कत हो जाएगी थ्रू द सी रूट ओवर देयर। सो दैट्स व्हाई आप जब समुंदर में देखोगे इस ब्रिज को, इसकी हाइट बाकी ब्रिजेस से काफ़ी ज़्यादा है। एंड अल्टीमेटली हुआ ये कि 51 meters तो वो लोग बनाने के लिए रेडी नहीं हुए बिकॉज उसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें एंड इट वुड हैव इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द ब्रिज by like thousands of more crores. So इसी वजह से उन्होंने सारी चीज़ें स्टडी करके एंड ऑल अल्टीमेटली दे केम टू द कंक्लूजन दैट इंस्टेड ऑफ 25 दे विल रेज द हाइट टू 31 to 35 meters. सो दैट्स द रीज़न वाई ऑन लैंड वेन यू सी इट, ये यहाँ पे ये जो पिलर्स है ये इतने लंबे लंबे लगते हैं, दिस इज़ क्वाइट अ टॉल ब्रिज फॉर दैट रीज़न। JNPT की वजह से ये ब्रिज की हाइट थोड़ी ज़्यादा बना दी है। एक ट्रक आ रही है, अभी मैं इसका थोड़ा सा डिटेल आपको समझा देता हूँ। वेल दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है एक्चुअली इसके बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद ये बनने की राह पर है। एक्चुअल में 2004 में जब इसकी आइडिया आई या कॉन्सेप्ट, तो वर्क प्रोसीजर कंप्लीट होने को ऑलमोस्ट लाइक इट शुड हैव टेकन अराउंड 4-5 years, बट ये प्रोजेक्ट अल्टीमेटली एक्सटेंड होते 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 अभी 2021 है एंड इट विल मोस्टली गेट कंप्लीटेड अराउंड 2023-24, ऐसे इसका टाइमलाइन है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ILNFS एक कंपनी थी जिसने प्रपोजल दिया था 2004 में, लेकिन उसके बाद में इंटीरियर जो पॉलिटिक्स जो भी आप कहो उसकी वजह से उनको वो नहीं मिला, इट वॉज डिसकंटिन्यूड। 2005 में अगेन देयर वर न्यू बिड्स एंड दिस टाइम द बिड्स वर गिवन बाय द अंबानी ब्रदर्स यानी एडैग के अनिल धीरूभाई अंबानी, उनकी जो कंपनी है रिलायंस एनर्जी अलॉन्ग विथ ह्यूंडई इंजीनियरिंग, इन्होंने एक प्रपोजल दिया था, बिड किया था, बट उनका एक कंडीशन था कि दे नीड अ कंसेशन ऑफ 9 years। फिर उसके बाद में मुकेश अंबानी, उनकी जो कंपनी है सी किंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी कंपनी ने भी बिड किया और उन्होंने कंडीशन डाली कि उनको कंसेशन चाहिए 75 years की। तो ये एक तरह से एक मजाक ही उड़ा रहे थे अंबानी भाई, मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी, देखो लाइक कुछ भी मतलब 9 years कंसेशन, 75 years कंसेशन, ऐसे करते तो ये प्रोजेक्ट कभी बनता ही नहीं। फिर ऐसे ऐसे करते करते यू नो 2005 भी चला गया। फिर 2008 में हुआ ये कि इन्होंने फिर से सोचा MSRDC एंड MMRDA ने कि ये प्रोजेक्ट बनाने। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि MSRDC कम्स अंडर द NCP एंड MMRDA कम्स अंडर द कांग्रेस एंड द मीडिया एट दैट टाइम सेड दैट ये जो प्रोजेक्ट डिले हो रहा है वो इनके जो प्रॉब्लम्स है कांग्रेस एंड दी NCP इनके बीच में के जो इश्यूज है उसके वजह से ये प्रोजेक्ट डिले होते जा रहा है। तो ऐसे करके करके यू नो बिकॉज ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट, दिस इज वॉट द मीडिया वाज़ सेइंग, दिस आर नॉट माई वर्ड्स, तो ये ऐसे करते करते ये प्रोजेक्ट और डिले हुआ। 2008 चले गया, 2009 चले गया, 2011 आया, फिर 2011 और 12, ये जो साल थे ना ये एक तरह से टर्निंग पॉइंट्स थे बिकॉज इस इन दो सालों में मेजॉरिटी ऑफ द परमिशन स्टार्टेड कमिंग इन, यानी हमने जो कोस्टल रेगुलेशन जोन के परमिशंस, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट उनके परमिशंस, ये सारे परमिशंस मिलते गए। अल्टीमेटली व्हाट वी सी हियर इज नाउ दिस लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन, लेकिन इतना इजी नहीं था, इसमें बहुत सारे यू नो परमिशंस एंड बहुत सारे लोगों को कुछ करना ये वो, बिकॉज देयर यहाँ पे ना मैनग्रोव्स थे, मैनग्रोव्स यानी उधर सब बर्ड्स आते थे, 150 species ऑफ बर्ड्स बाहर से रशिया से वो बर्ड्स उड़ के यहाँ पे आते थे, अभी भी आते हैं ऐसे कुछ नहीं, लेकिन वही मतलब वो जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उनका पॉइंट यही था कि जो एक्टिविस्ट है उनका पॉइंट यही था कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके वजह से वो जो स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स आते हैं यहाँ पे 10,000-20,000 बर्ड्स जो उड़ के आते हैं ये बर्ड डिस्प्लेस हो जाएंगे या उनको उनका हैबिटेट नेचुरल हैबिटेट तहस नहस हो जाए, दे डोंट वांट द प्रोजेक्ट टू बी कंस्ट्रक्टेड हियर, ऐसे ऐसे हो गया था। बट अभी क्या नाउ डेवलपमेंट, यू हैव टू डेवलप इट ना, बिकॉज ये सिटी सिटी ने तो मतलब ट्रैफिक से भर जाएगी,
ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रास्ता है फॉर प्लेस सिटी लाइक मुंबई, बिकॉज यहाँ से 22 किलोमीटर्स का जो ब्रिज जा रहा है डायरेक्ट पनवेल जाएगा, एंड दैट इज़ अ ह्यूज थिंग। अभी आप पनवेल जाओगे तो इट टेक्स यू अराउंड 1 hour 30 minutes टू ट्रैवल बाय रोड, इवन 2 hours। अभी यहाँ से ये जब बन जाएगा तो ऑलमोस्ट लाइक 20-25 minutes में आप पनवेल तक पहुँच जाओगे यहाँ से। तो दैट इज़ दैट विल कट डाउन अलॉट ऑफ टाइम, ट्रैफिक डी कंजेशन होएगा। तो ये सारी चीज़ें होती, जो डेवलपमेंट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी एंड हैज़ टू बी डन। टॉप मोस्ट पोर्शन वहाँ पे एक व्यू मारते हैं। तो देख सकते हो कितनी हाइट है, मैं तो यहाँ से देख रहा हूँ ये ब्रिज, इट्स जस्ट ह्यूज। तो एनीवेज मैं अभी चलते चलते बात करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो डेवलपमेंट है ये इट इज़ इनएविटेबल एंड इट हैज़ टू बी डन। ये जो परमिशंस है इनको कैसे मिली, वेल उन्होंने ये डिसाइड किया कि दे विल प्रोवाइड दीज फिल्टर्स साइलेंसर्स फॉर द एग्जॉस्ट दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ द मशीनरी दैट इज़ बीइंग यूज्ड, उससे कि जिससे कि बर्ड्स को तकलीफ ना हो। एंड इन एडिशन टू दैट जो मैनग्रोव्स डिस्ट्रॉय होंगे या निकाल दिए जाएंगे, वो मैनग्रोव्स को 5 times द साइज ऑफ दोज मैनग्रोव्स विल बी रीप्लांटेड समवेयर एल्स। तो ये उनका वो कंडीशन था। एंड इन एडिशन टू दैट साउंड बैरियर्स भी लगा दिए जाएंगे वंस द प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटेड, बिकॉज यहाँ से जो कार वर्स जाएंगे उनकी उनका आवाज़ बहुत आएगा, तो साउंड बैरियर्स का अलग ये डाल दिया गया। तो ओवरऑल जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट जो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में है, वो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में जो भी चीज़ें आती है उसके लिए 500 करोड़ का अलग से बजट है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। तो ये प्रोजेक्ट की अभी टोटल कॉस्ट है अराउंड 22-23 thousand crores, बिकॉज आपको तो पता है कि अभी स्टील का भाव क्या हो गया है, तो ये और भी एस्केलेट हो सकता है, अराउंड 25 तक जा सकता है, बिकॉज इट्स नॉट चीप नाउ गाइस। बिकॉज ये जब प्रोजेक्ट कॉन्सेप्चुलाइज हुआ था तो इसका एस्टिमेटेड प्राइस था अराउंड 5,000 crores इन 2004। 2008 में वो बड़ा अराउंड 8,000 crores, 11 में इट बिकेम 14,000 crores, एंड देन राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ अराउंड मोर देन 23,000 crores। तो आप समझ सकते हो कि 22 किलोमीटर्स का ये ब्रिज है विच विल गो थ्रू द सी, यानी समुद्र से जाएगा, एंड एक एक किलोमीटर का हिसाब ऐसा है कि 1,000 crore लग रहे हैं एक एक किलोमीटर इसको बांधने के लिए। तो ये हिसाब है स्टील का प्राइस एंड ऑल, उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, 1,000-1,500 crore। तो मैंने एवरेज एस्टिमेट आपको ये बताया। तो दोस्तों आप देख रहे हो सामने ये शिवडी रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है। इसको क्रॉस करने के बाद ना परेल तक और वर्ली तक एक कनेक्टिंग लिंक जाएगा और उसको एक क्लोवर लीफ इंटरचेंज कहते हैं। क्लोवर लीफ का मैं ये शेप दिखा देता हूँ क्या होता है क्लोवर लीफ। तो बेसिकली
ये क्लोवरलीफ इंटरसेक्शन की वजह से जो मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है वो भी MTHL से एक हद तक कनेक्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से एक ब्रिज जाएगा जो ये जो सिटी में जो ब्रिजेस आएंगे, यानी परेल में जैसे परेल का ब्रिज है, एल्फिंस्टन का ब्रिज है, उसके ऊपर से एक ब्रिज जाएगा एंड इट विल गो टिल वर्ली, और वर्ली के वहाँ से मुंबई कोस्टल रोड जाता है, करेक्ट? तो वो एक कनेक्शन हो गया. एंड द सेकेंड कनेक्शन इज़ द कनेक्शन विद द ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे. अभी मैं जो जा रहा हूँ ये वडाला की तरफ जा रहा हूँ, वो एक कनेक्शन उधर से है. तो ऐसे करके एक क्लोवर लीफ इंटरचेंज यहाँ पे होने वाला है, जिससे कि ये सारे जो एरियाज है वो बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे एंड इंटर प्रोजेक्ट कनेक्शन ऐसे हो जाएगा ये. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. दिस इज स्वाति बॉन्ड सिंह, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.